तो हेलो गाइस, आ चुका हूँ मैं वापस आपके लिए। तो जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों की वीडियो हम बना चुके हैं, आज हम दिखाएंगे आपको एक ईवी कार। और ये है एक कॉम्पैक्ट गाड़ी, ये ट्रैफिक में कहाँ से भी साना नाना करके निकल जाती है। तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। साइड के लुक से आप देख सकते हैं ये आपको टू डोर ही मिलता है, बट ये जैसे है कि दो डोर की गाड़ी नहीं है आपकी, एक फोर सीटर कॉम्पैक्ट गाड़ी है ये। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा कैसे ये फोर सीटर है। अभी मैं आपको डोर खोल के दिखा देता हूँ। पहले इसका डोर देख सकते हैं आप कितना वाइड है, जो कि आपको इतना बड़ा वाइड डोर मिल रहा है, और इसके आप इंटीरियर चेकआउट कर सकते हैं। मैं साइड का लुक देखा, आपको इंटीरियर देखा, अब आप इसके एक्सटीरियर के लुक से वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि ये गाड़ी जो है ये एकदम कंफर्ट है, कहाँ पे भी आप लेके जा सकते हो, और एक फोर सीटर जैसे मैंने आपको बताया, चार जने आराम से बैठ के आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, और ट्रैफिक में आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसके साइज एकदम कॉम्पैक्ट है, और ये 3 मीटर के अंदर है गाड़ी। क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी अच्छी गाड़ी कैसे बनाई, एमजी ने बहुत अच्छा काम किया है। और यहाँ पे जो है इसका चार्जिंग का एक, जो मैं आपको बोल रहा था DRL, एक उसका लुक देख सकते हैं, काफी ऑसम है गाड़ी का। गाइस, जैसे कि मैं बैठ चुका हूँ अंदर, तो आप देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग का लुक, स्टीयरिंग काफी स्पोर्टी टाइप है इसका पूरा स्टीयरिंग। यहाँ पे आपके बटन्स कंट्रोल है, वॉल्यूम कंट्रोल्स, जैसे आपको नॉर्मल गाड़ियों पे दिखाता था, बट MG के फीचर्स अलग रहते हैं और MG की क्वालिटी अलग है। MG की क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी गाड़ी की। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वॉइस करके आप कुछ भी इस पे कमांड कर सकते हैं। Apologies, I'm continuously learning. तो ये आपका, please try a different command. ये जैसे आप कमांड वगैरह इसको दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा गियर का सिस्टम, जो कि आपको गियर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ईवी गाड़ी है और ये फुली ऑटोमेटिक टाइप है आपकी पूरी गाड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं आप डी बे मोड में डाल सकते हैं, न्यूट्रल में डाल सकते हैं, रिवर्स में डाल सकते हैं, और जैसे आप रिवर्स में डालते हैं तो यहाँ पे कैमरा चालू हो जाता है, और कैमरा की क्लियरिटी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में ये जो है यहाँ पे चार्जिंग का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जगा सकते हैं, और पावर विंडो के जो बटन से आपके यहाँ से ही कंट्रोल है। ये देखिए आपका पावर विंडो ओपन हो रहा है, और ये आपका पावर विंडो ऊपर हो जाता है। तो मुझे काफ़ी गाड़ी बहुत अच्छी लगी, एक कॉम्पैक्ट गाड़ी है और ऊपर से आपका फोर सीटर बनाया हुआ है, फोर सीटर के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। और जैसे कि स्पेस भी आप देख सकते हैं, वो स्पेस भी काफ़ी अच्छी है गाड़ी में, लेग रूम अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है। हेडरूम कैसा है कि जैसे कि आपका 6 फीट का बंदा भी हुआ तो एकदम अच्छा ही है हेडरूम, 6 फीट से ऊपर होता है तो थोड़ा आपको दिक्कत देगा नॉर्मल एक, बाकी तो सब गाड़ी में बहुत अच्छा चीज़ है। और गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि MG की तरफ से आप देख ही सकते हैं गाड़ी का लुक, गाड़ी का लुक भी आप देख सकते हैं पूरा। और ये कनेक्टेड आप देख सकते हैं, कनेक्टेड पूरा म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है जो कि पूरा कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको रेंज दिखाता है, बैटरी का परसेंटेज दिखाता है, 80% अभी बैटरी पड़ी हुई है 160 किलोमीटर, और कंपनी जो है आपका इसका क्लेम करती है 225 किलोमीटर, लेकिन ये बट ये आपको जो वन चार्ज में आपको ये गाड़ी कितनी चलती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये 190 किलोमीटर आपकी चलती है फुल AC में, और इसमें मोड्स भी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तो ये बटन से आप मोड्स डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, ये सब मोड डाल सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। जैसे कि आपने इंटीरियर देखा गाड़ी का, अभी मैं दिखा था आपको पीछे कैसे इसमें जाए, तो यहाँ से अभी गाड़ी फोल्ड हो जाती है, और अभी दिखा था आपको पीछे जाके, तो ये पीछे बैठने के बाद में भी काफी कंफर्ट है। लेकिन इसमें आप 3 जन नहीं बैठ सकते, 2 जन बैठ सकते, तो क्योंकि ये 4 सीटर कार है, तो 2 जन आप आराम से, मतलब 4 जन आप गाड़ी में एकदम रिलैक्स बैठ सकते, अच्छे से कंफर्ट अच्छा है। हेडरूम देख सकते हैं, हेडरूम भी काफी अच्छा है, और उसके बाद मैं आपको सीट यहाँ पे करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। उसके
उसके बाद में भी अच्छा खासा लेग स्पेस इसमें अच्छा ही दिया हुआ है, मतलब चार जन के लिए गाड़ी एकदम कंफर्ट है। बट आपके इसमें एक एक पॉइंट जो है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पे विंडो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है विंडो वगैरह आप खोल नहीं सकते, या ऐसे ही दिया हुआ है, एक ऐसे ही मिरर टाइप आपको दिया हुआ है, खुलता नहीं है ये। तो गाइस ये मैं बूट ओपन कर चुका हूँ, तो इसके बूट में आप ज़्यादा कुछ रख नहीं सकते, एक नॉर्मल सा स्पेस है, जैसे कि आप लैपटॉप बैग वगैरह दो बैग रख सकते हैं आपका लैपटॉप, या तो एक छोटा मोटा बॉटल वगैरह आप रख सकते हैं। बूट स्पेस काफ़ी कम है क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी है, एक 3 मीटर के अंदर है गाड़ी, इसके लिए इसका बूट स्पेस बहुत कम है। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, जैसे आपके ख़राब रास्तों पर भी ये गाड़ी अच्छी चलती है। उसके बाद आपको कुछ पेट्रोल का नहीं, पेट्रोल डीजल का कोई टेंशन नहीं है, एक ईवी गाड़ी है और कहीं से भी ये निकल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा ये गाड़ी में। तो ये गाड़ी बहुत मुझे अच्छी लगी पर्सनली, आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताना। टूटसी गाड़ी दो, और टूटसी गाड़ी का पिकअप भी देख सकते हैं आप, वो भी ये इको मोड में चल रही, तो आप इसका पिकअप देख सकते हैं। तो गाइस ये खाली नाम से क्यूट है, बाकी है तो तूफान। एक छोटी सी गाड़ी में पिकअप देख सकते हैं आप। गाड़ी तो आपने पूरी देख ली, इंटीरियर देख लिया, एक्सटीरियर देख लिया, सब देख लिया। तो नॉर्मल जो आपकी ईवी गाड़ी आती है ना, एमजी की जो कॉमेट, वैसे ऐसी नहीं रहती है, ये आपकी पूरी एक्सेसरीज फिटिंग की हुई है, तो मैं आपको सब दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्रोम लगा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि ये सब कंपनी से हमने फिटिंग कराया हुआ है, क्योंकि तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे एक क्रोम लगाया हुआ है जो कि देख सकते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ से डोर वाइजर लगाए हुए, क्योंकि कंपनी के आप देख सकते हैं मॉरिस गैरेज, जो कि एमजी का ये पूरा फुल फॉर्म रहता है, तो कि ये डोर वाइजर। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप, कंपनी की साइड मोल्डिंग लगाई हुई है हमने, और यहाँ पे पूरा देख सकते हैं एक्सेसरीज का पार्ट आता है ये भी, ये कैसे आपका पूरा क्रोम में है, यहाँ पे भी आया मॉरिस गैरेज ब्रांडिंग का, वो पूरा हमने ओरिजिनल एक्सेसरीज लगाई हुई है ये कंपनी से। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी लगाया हुआ है हमने ये पूरा, क्योंकि ये साइड भी है, ये साइड भी आपका, तो ये सब हमने कंपनी से लगाया हुआ है। तो उसके बाद में ये गाड़ी और अच्छी दिख रही है, और थोड़ी क्यूट दिख रही है, जो कि आप देख सकते हैं गाड़ी। तो गाड़ी का लुक आपने देखा सर, देखा अभी वीडियो में ऐसे ही बंदे रहे, चलते आगे। तो गाइस कैसी लगी आपको एक छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी और एक क्यूट गाड़ी, मुझे तो बहुत क्यूट लगी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे वीडियो में बने रहे। तो गाइस आगे भी हम आपके लिए वीडियो हमेशा लाते रहेंगे, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।